आयकर विभाग ने महिंद्रा बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। फर्जी तरीके से नोट बदलने के आरोप में आईटी ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है। दरअसल यह गिरफ्तारी उस मामले से जुड़ी है जिसमें 9 फर्जी बैंक खातों में करीब 34 करोड़ रुपए जमा होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जांच में सामने आया कि कस्तूरबा गांधी स्थित ब्रांच में गैर कानूनी रूप से पुराने नोटों को बदलने का काम हो रहा है। इसके साथ ही आरोपी आशीष पर पारस मल्लोढ़ा और रोहित टंडन की मदद करने का भी आरोप है। हालांकि बैंक की ओर से दी गई सफाई में कहा गया है कि बैंक ने पहले ही आशीष कुमार को सस्पेंड कर दिया था और जांच एजेंसियों को हर वो जानकारी मुहैया कराई गई थी जिसकी उनको दरकार थी। आपको बता दें कि इससे पहले कोलकाता के कारोबारी पारस मल्लोढ़ा को मुंबई से 25 करोड़ रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने के दौरान पकड़ा गया था। नोटबंदी के बाद आए दिन फर्जी बैंक खातों से करोड़ों का लेन देन किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं और करोड़ों की पुरानी और नई धनराशि पकड़ी जा रही है। और इसी कड़ी में अब आयकर विभाग ने महिंद्रा बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। देखते रहिए डीबी लाइव।